हेलो एवरीवन, वेलकम टू आहिल टेक। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई करने से अप्रूव होने तक कितना समय लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट कार्ड का जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है उसे कैसे एक्टिवेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो PNB का जो जीनी एप्लीकेशन है उसमें इस क्रेडिट कार्ड को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसका जो क्रिएट किया जाता है यूजर नेम पासवर्ड, ये सारा डिटेल मैं कवर करूंगा। इसके अलावा उसमें अपना क्रेडिट कार्ड को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन यहां पे सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गया है और हमारा जो यहां पे वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है वो भी जेनरेट हो चुका है। देख रहे हैं, वर्चुअल कार्ड जेनरेटेड और यहां पे मेरा जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है वो यहां पे देखने को भी मिल जा रहा है। और यहां पे फिजिकल कार्ड स्टेटस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पे डिस्पैच स्टेटस अभी ये नहीं दिखा रहा है। जब ये कार्ड डिस्पैच हो जाएगा तो यहां पे डिस्पैच स्टेटस और डिलीवरी एड्रेस यहां स्टेटस यहां पे दिखा देगा। ठीक है, तो यहां पे वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो हमारा है, यहां पे रुपए वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है, तो इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। नीचे जो देख रहे हैं आप, एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पे, इस पे हम टैप करके इस कार्ड को यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, हेलो, यहां पे क्या करना है, हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, नीचे अपना पैन कार्ड डिटेल्स डालना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें वेरीफाई मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहां पे बताया जा रहा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे SMS के द्वारा हम वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक क्रिएट यूजर नेम यानी कि एक यूजर नेम बनाने का ऑप्शन हमें मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और वही पासवर्ड फिर से यहाँ पे एंटर करेंगे कन्फर्म करने के लिए, देन सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है यूजर नेम पासवर्ड। यहाँ पे देख रहा है कस्टमर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे हम एक 4 डिजिट का MPIN क्रिएट कर लेंगे। वो MPIN हमें 2 बार डालना पड़ा है, एक बार MPIN 4 अंकों का डाल के फिर से उसे कंफर्म करने की जरूरत पड़ी है। इसके बाद हम इसमें लॉगिन हो सकते हैं, अपना MPIN यहाँ पे 4 डिजिट का डाल के इजीली हम यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन यानी कि बायोमेट्रिक के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमें बायोमेट्रिक के द्वारा यहाँ पे हमें जो है कि लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड एक्टिवेशन, मेरा क्रेडिट नेम, क्रेडिट कार्ड डिटेल सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और सामने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड एक्टिवेशन वाले ऑप्शन पे, एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे एक OTP आया हुआ है हमारे मोबाइल नंबर पे, OTP डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गया है और हमारा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं हमारा प्राइमरी कार्ड यहां पे शो हो रहा है, एक ही कार्ड है इसलिए यहां पे एक ही कार्ड शो हो रहा है यहां पे। इसके बाद हम यहां से इस कार्ड को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि यहां पे देख सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हम चाहें यहां से तो इसे यहां से इनेबल करके हम पूरा अपना लिमिट जो है कि POS, ई-कॉम, ATM, कॉन्टेक्टलेस, ये सारा कुछ यहां से मैनेज कर सकते हैं। और डोमेस्टिक ये पहले से ही ऑन रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंटरनेशनल जो है कि ट्रांजेक्शन बंद रहता है, अपने से जो है कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे खुद से ऑन करना पड़ता है। ये हमारे सेफ्टी के लिए RBI का एक नया रूल्स जो है कि लागू हुआ है। ठीक है, इसे अपने से करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो इसे बंद ही रहने दीजिए, डोमेस्टिक करते हैं तो इसे ऑन रखिए। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जो है यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, जो भी है यहाँ से खुद हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, देख सकते हैं PNB जीनी ऐप में मेरा सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। ये डैशबोर्ड है, ये क्रेडिट कार्ड डैशबोर्ड है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, अकाउंट डिटेल्स इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, पेमेंट्स डिटेल्स, कार्ड को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, EMI में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट अगर कोई है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, स्टेटमेंट यहाँ से, ट्रांजेक्शन डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं,
ई कार्ड, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अकाउंट डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। कार्ड प्रोफाइल, अकाउंट समरी, स्टेटमेंट समरी, रिवार्ड पॉइंट्स, कितने मेरे क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट मिले हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वापस बैक आते हैं। बैक आने के बाद देख सकते हैं पेमेंट्स अगर हम जो भी यहाँ पे करेंगे ये सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी हमारा बिल जनरेट होगा यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट में जाके हम यहाँ पे देख सकते हैं। कार्ड को अपना मैनेज करना है तो यहीं से अपना कार्ड हम लोग मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो हम यहीं से उसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, डी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड कन्वर्ट योर कार्ड यहाँ पे जो है कि अपने ईएमआई में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेट कार्ड लिमिट्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे चाहूँ तो स्पेंडिंग लिमिट, पीओएस लिमिट, ईकॉम, एटीएम, कॉन्टेक्टलेस लिमिट, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड को हम चाहें तो टेम्पोररी कार्ड ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं, जिससे जो है कि हमारा कार्ड यहाँ पे सेफ रहेगा। जब हम कार्ड ब्लॉक करेंगे तो कोई यहाँ पे अनऑथराइज ट्रांजेक्शन इसमें नहीं होगा। इसके अलावा कार्ड यहाँ पे एक्टिवेशन कर सकते हैं, ऑटो डेबिट यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं, यानी कि हर महीने हमारे जो भी हम यहाँ पे अकाउंट नंबर देंगे उससे हमारा ऑटो डेबिट यहाँ पे हो जाएगा। कार्ड पिन जेनरेशन, यहाँ से हम अपना कार्ड पिन जो है यहाँ पे से जेनरेट कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कार्ड पिन जेनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू पिन यहाँ पे क्रिएट करना है, फिर वही पिन आपको यहाँ पे डालना है। चार अंकों का पिन आप यहाँ पे बना के सबमिट कर दीजिए, यहाँ पे आपका पिन जो है सक्सेसफुली जेनरेट हो जाएगा क्रेडिट कार्ड के लिए। आप कहीं भी चाहें तो फिर आप पेमेंट कर सकते हैं पिन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा गाइस यहाँ पे बात करें सर्विस रिक्वेस्ट, यहाँ से अपना फिजिकल कार्ड जो है कि आप ट्रैक कर सकते हैं जो आपका आने वाला है। इसके अलावा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए, रिक्वेस्ट कर सकते हैं डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए, यहाँ पे कार्ड लिमिट जो है कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ यहीं से आप कार्ड को हॉट लिस्टिंग भी कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स आपको इसमें दिया हुआ है इस एप्लीकेशन में, जो कि आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।